सवाल था, प्रोपोर्शनलिटी पर बेस्ड था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ये क्वेश्चन करो, ये कहता है कि 220 वोल्ट 100 वोल्ट बल्ब कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। हमारे पास दो बल्ब हैं और उन दो बल्ब की जो डेटा है वो सेम है, ठीक है, मतलब दोनों आइडेंटिकल बल्ब हैं, दोनों 220 वोल्ट हैं और 100 वोल्ट से कनेक्टेड फर्स्ट सीरीज, और उसके बाद हमने उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो ईच टाइम कॉम्बिनेशन जो है वो 220 वोल्ट हमेशा से कनेक्ट होता है सोर्स से। द पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इन ईच केस, मतलब सीरीज में पहले पैरेलल में कनेक्ट किए, पहले सीरीज में कनेक्ट करिए, पैरेलल में कनेक्ट किए, तो दोनों में कितना पावर ले रहे हैं बल्ब, उस पावर की कैलकुलेशन करनी है प्यारे बच्चों। चलो तो फर्स्ट केस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं बल्ब को, फर्स्ट केस में। तो ये आ रहा हमारा बल्ब फर्स्ट केस में, दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए और ये रहे अपने बल्ब। ये पावर सप्लाई प्लस माइनस कितने पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिए, प्लस माइनस देखो पावर सप्लाई 220 वोल्ट है, ठीक है। और जो बल्ब की डेटा है प्यारे बच्चों, बल्ब की डेटा वो 220 वोल्ट और पावर 100 वाट है, ये भी 220 वोल्ट और पावर 100 वाट है, ठीक है। तो ये बल्ब की अपनी डेटा है और पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इन ईच केस, मतलब सीरीज में ये दोनों इस सर्किट से कितना पावर ले रहे हैं। तो करंट आई फ्लो हो रही होगी यहाँ से इन दोनों को। जो बल्ब होता है, मैं बताया था बल्ब एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, कुछ न कुछ पावर कंज्यूम करेगा, उसका अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, बल्ब की रेजिस्टेंस को। अगर देखो, अगर तुम देखोगे, सिंपल सी बात है, क्या लॉजिक डेवलप करोगे, तो ये सर्किट से कितना पावर यूज कर रहे हैं, तो फॉर इस टोटल सर्किट के लिए अगर मैं लगा दूँ, टोटल सर्किट के लिए पावर इज इक्वल टू दैट इज वी स्क्वायर ओवर आर। ये आर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और भी जो है टोटल पावर सप्लाई बाय द सर्किट। तो भी की वैल्यू तो हमसे सबको पता है 220 और मल्टीप्लाइड बाय 220 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर, तो ये हमारा पावर आ जाएगा फर्स्ट केस में। तो अब हमारा टारगेट बचा इन दोनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो फॉर बल्ब, तो ये तो सर्किट के लिए रहा, अब बल्ब की कहानी अलग होती है और सर्किट की कहानी अलग होती है। तो बल्ब के लिए अगर मैं यही फॉर्मूला लगाऊं वी स्क्वायर ओवर आर, तो बल्ब का रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा वी स्क्वायर ओवर पावर पी। तो बल्ब का वी 220 और मल्टीप्लाइड बाई 220 और बल्ब का पावर 100 वाट है, दोनों आइडेंटिकल है। तो ये दो जीरो ने दो जीरो को ख़त्म कर दिया, तो ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 22, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वन बल्ब, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों बल्ब किस में कनेक्टेड है बोलो प्यारे बच्चों, तो ये दोनों बल्ब सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस जो है आर जो आ जाएगा वो 2 times R + R, दैट इज ये आर डैश मान लो, नेट रेजिस्टेंस आर डैश, तो ये 2 times R, तो 2 times R अभी हम कैलकुलेट करके लाएं, तो 2 × 2 × 2 × 22, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस। तो अब ये यहाँ से लाल इसमें पुट कर दोगे तो हमें सीरीज में पावर निकल जाएगा। तो सीरीज में पावर कितना आ जाएगा, 220 और मल्टीप्लाइड बाई 220 और डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 2 times, दोनों सीरीज में है, 20 × 20, तो 20 × 22 × 22, तो ये आ जाएगा 100/2, दैट इज 50 वाट जो है पावर कंज्यूम कर रहे होंगे सीरीज में। तो 50 वाट पावर कंज्यूम करें, इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, या तो ये सही है या तो ये सही है, समझ में आ रहा ना। पूरी सर्किट की कहानी अलग है और बल्ब की कहानी अलग है। तो ये सर्किट की कहानी लिखे, सर्किट का पावर कंज्यूम और ये बल्ब के डेटा से रेजिस्टेंस निकाल लिए और उस रेजिस्टेंस को इसमें ले जाके रख दिए और 50 वाट बहुत मतलब ये आ गया। अब चलो ये तो सॉल्व हो गया, अब हमें पैरेलल में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं पैरेलल में इनको कनेक्ट करता हूँ, तो ये रहा अपना बल्ब, पहला जो बल्ब है पैरेलल में ऐसे आएगा और दूसरा जो बल्ब है वो कुछ ऐसा आएगा, और इनको हमने एक एक्सटर्नल सोर्स, वही सोर्स है, उसे हमने कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट और बल्ब वही है, ठीक है, वही बल्ब है। तो ये हमने पैरेलल में इनको कनेक्ट कर दिया। तो फिर लिखो पूरे सर्किट के लिए, लिखो फॉर सर्किट, पूरे सर्किट के लिए
इस ये जो टोटल सर्किट है बच्चों, ये पूरा सर्किट, इस सर्किट के लिए लिखूं तो पावर कंज्यूम इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये तो पूरे सर्किट में सोर्स, पूरे सर्किट में 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आर डैश मान लो इस केस में, तो पावर पी। ये अगर आर डैश मतलब इस पूरे सर्किट का अगर रेजिस्टेंस पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये बल्ब है, फिलामेंट है, तो उसके पास कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अभी हम निकाल के ले आए कि रेजिस्टेंस आर आर इज इक्वल टू दैट इज वी स्क्वायर ओवर पावर। तो वी स्क्वायर 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 और इसका पावर 100 है, तो ये आ जाएगा बल्ब की, ये बल्ब की डेटा है, फॉर बल्ब, फॉर बल्ब। तो बल्ब के लिए पावर का फार्मूला लगा दिए, तो बल्ब का पावर का फार्मूला, रेजिस्टेंस जीरो ने जीरो को खत्म कर दिया, तो रेजिस्टेंस आर एक का हो गया 220 मल्टीप्लाइड बाई 22। तो ये जो ये है एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, अब ऐसे इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, तो दोनों पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस आर डैश पैरेलल में कितना होता है, आर बाई टू होता है। तो आर बाई टू अगर लिखोगे तो ये 22 मल्टीप्लाइड बाई 22 और डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 11 मल्टीप्लाइड बाई 22, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसको ले जाकर इसमें रख दोगे तो हमें इस केस में पावर निकल जाएगा। तो यहाँ से रख दो 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 और डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 22, तो 22 ने 22 को ख़त्म कर दिया, ये 2 टाइम्स ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ख़त्म कर दिया, दैट इज 200 वाट पावर कंज्यूम हो रहा होगा। तो इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इन्हीं दोनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा, दैट इज ये ऑप्शन सही नहीं है, दैट इज D1 इज द करेक्ट, ठीक है। पहले सीरीज में कनेक्ट करोगे तो कम पावर कंज्यूम हो रहा है, और जबकि पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रहा है। चलो